हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर है हमारा 8.2, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाएंगे और इससे जुड़े और भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में तो एक क्वेश्चन दिया हुआ, तो ये हम बताएंगे आपको, अच्छे से बताएंगे और फिर आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन हम देंगे ताकि आपको और डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, तो ऐसा वाला क्वेश्चन अभी ध्यान से देखिएगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन देंगे जो आपसे जरूर बनेगा। अगर एक क्वेश्चन बताने के बाद अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन बनने लगा है तो इसका मतलब कि आप मैथ सीख रहे हो। ठीक है, और मैथ सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, रटो ना, सीखो मैथ और यही चल करके आगे आपको बेस कंसेप्ट रहेगा तो ये आपको किसी भी एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 8.2 का क्वेश्चन नंबर देखिए लिखा हुआ है, If 10a plus b equal to root 3 and 10a minus b equal to 1 by root 3। देखिए कंडीशन दे रखा है कि ये जो हमारा एंगल है, अगर हम a plus b का जो वैल्यू निकालें वो दोनों को सम करने से, दोनों को सम करने से आना चाहिए जीरो से बड़ा, ये जो दोनों को सम करेंगे वो जीरो से बड़ा आना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से छोटा या बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि हमारा जो एंगल ए है वो बड़ा होना चाहिए बी से। ठीक है, दो कंडीशन दिया हुआ, पहला कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है। चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं और देखते हैं कि दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होता है कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो बताइएगा कैसा आपको लगा। चलिए तो देखिए, हमें दिया हुआ है, यहाँ से सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट है। दिया हुआ है 10a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 और दिया हुआ है क्या कि 10 इसको एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1 बाई रूट 3। ठीक है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे कि ये जो रूट 3 है, ये जो रूट 3 हम 10 के ही वैल्यू में देखेंगे कि रूट 3 10 की कितना डिग्री का वैल्यू है, तो ये बताइए कितना का। तो ये इधर जैसे है वैसे हम लिख देते हैं और ये 10 60 डिग्री का वैल्यू है तो हम 10 60 डिग्री लिख दिए। 10 और 10 काटना नहीं है, ये इन्वर्स होकर के कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 10 60 डिग्री, इसको मान लेंगे 1। वही चीज़ इधर भी करेंगे, ये बताइए 10 कितना का वैल्यू है, ये 10 है 30 डिग्री का वैल्यू। अब ये 30 डिग्री का वैल्यू तो 10 10 आपको काटना नहीं है, इनवर्स होकर के कटता है तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन, दोनों को कर देंगे सॉल्व। ठीक है, दोनों को कर देंगे सॉल्व तो दोनों को करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करने से तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 है हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और इक्वेशन 2 है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a और ये तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल और इधर हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। अब देखिए जब हमारा 2a इक्वल टू 90 है तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 90 बटा में 2, यानी कि इसको काट देंगे तो 45 बार में ये कट जाएगा, यानी एंगल a का वैल्यू 45 है। अब b का वैल्यू हम पता करेंगे तो a का वैल्यू बैठा दीजिए 1 में बैठे या 2 में, आपका b का जो वैल्यू है सेम आएगा, तो बैठा दीजिए जिसमें मन है उसमें बैठा दीजिए। तो इधर सॉल्व करते हैं, देखिएगा इधर तो ए का वैल्यू 1 में रखते हैं तो फ्रॉम वन ए के प्लेस पे हम रख देते हैं, डायरेक्ट इसको रख देते हैं 45 प्लस बी इक्वल टू ए 60 हो गया। अब बी हमें फाइंड आउट करना है तो 60 ये इधर प्लस में है उधर जाता है तो माइनस में चिन्ह बदल जाता है, याद रखिएगा। तो बी इक्वल टू कितना जाएगा, 60 में से 45 जाएगा तो 15 डिग्री आएगा इसका।
ठीक है, 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 आएगा। अब देखिए दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर दूसरा कंडीशन पूछा था कि एंगल ए बड़ा होना चाहिए बी से, जो कि है। अब दोनों को सम करेंगे तो इसके बीच में ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर इसमें कहीं डाउट है तो आप बिल्कुल वैसे ही पूछिए जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं। थोड़ी सी भी डाउट हो कहीं भी हम जरूर बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बनाने के लिए नहीं बता रहे, यहाँ पर हम आपको कैसे बनाया जाता वो हम सिखा रहे हैं। तो आपको थोड़ी सी भी डाउट हो आप पूछने में बिल्कुल भी ना घबराइएगा, जो भी डाउट हो पूछिएगा। चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको हम एक दो और बता दें ताकि आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। और पहले तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको थोड़ी सी भी जो डाउट हो वो पहले आपको पता चले कि हाँ हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक। तब फिर हम बताएंगे तो वो हो जाएगा क्लियर। उसके बाद भी नहीं होगा तो आप पूछिएगा उसको हम बता। हम चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पर 10a + b = 1 और 10a - b = 1/√3, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, होगा या नहीं होगा कुछ नहीं करना है। 10a + b = 1 है तो आपको इसको बना देना है। यहाँ पर 10 किसका 1 है, 10 में 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा। इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा, हम आपको हिंट्स बता दे रहे हैं। ये हो जाएगा 10 45 ये, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, a + b = कितना आ जाएगा 45, ठीक है। अब इधर आप सॉल्व कीजिएगा इसको, तो यहाँ पर 10a - b = है 1/√3, और अभी बताए थे 1/√3 का, तो ये ऐसे लिख दीजिएगा a - b = 10 30 डिग्री, और 10 हो जाएगा आपको कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री, इसको मान लेंगे सेकेंड, इसको मान लेंगे 1। दोनों को सॉल्व जब कीजिएगा जैसे अभी किए थे, तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, 2a = आ जाएगा 45 + 30, दोनों को ऐड कर देंगे तो इतना आ जाएगा एंगल a = 75/2 आ जाएगा। इसका और भी ब्रेक कीजिएगा तो डेसिमल में आएगा, इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा 1 या 2 में तो बी का भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कीजिएगा। एक और यहाँ पर ये अभी तो 10 है, इसको अगर बदल दें कोस या साइन में तब कैसे होगा, तो हम इसको बदल के भी बता दे रहे हैं। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जो अभी आपको बोले कि इसी प्रकार का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन सब वही है, बस क्वेश्चन आपको चेंज कर दिया। यहाँ पर बोल दिया कि साइन a + b = 1, और यहाँ पर बोल दिया है कोस a - b = √3/2, तो इसको कुछ नहीं, ये साइन है तो इसको भी सोचेंगे कि साइन किसका वैल्यू है, तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, बस इसको ये साइन कितने डिग्री का वैल्यू है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ पर आप कर दीजिए साइन 90 डिग्री, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, a + b = हो जाएगा 90 डिग्री, इसको मान लीजिएगा 1। यहाँ पर भी आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कोस कितने डिग्री का, √3/2 कितने डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो कोस कोस कैंसिल हो जाएगा, a - b = आ जाएगा 30, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो a का जो वैल्यू आएगा वो 60 डिग्री आएगा, और b का वैल्यू आएगा वो 30 डिग्री आएगा, ठीक है। ये आपको हम बनाने के लिए दे रहे हैं ताकि आप इसको खुद से बनाइए, ताकि आपका और भी बेस मजबूत हो। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये घबराइएगा ना, यहाँ पर 2b रहे या 3b कुछ भी रहे, ठीक है, सॉल्व जैसे करते हैं वैसे आपको करना है। इसका जो आंसर आएगा वो a = 30 डिग्री आएगा, और b = 15 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए, अगर इसको सॉल्व करने में कहीं दिक्कत होगा तो पूछिएगा।